अभी अभी खबर आई है कि अजय मेरा के खिलाफ मुंबई पुलिस ने देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया। वो जो हमारा चौपर आ रहा है उसे अजय मेरा ने हाईजैक कर लिया है। फिल्म का हीरो कौन होगा, तारा या फिर जीते? कौन निभाएगा अमरीश पुरी का किरदार गदर 2 में? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियो। मैं बैठा सुना और आपके लिए लेकर आई हूँ गदर 2 मूवीज ने जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। ये खबर हिंदुस्तानियों के लिए तो है ही, पाकिस्तानियों के लिए भी, और सभी पाकिस्तानी भाइयों को सूचित किया जाता है कि अपने घर के हैंडपंप, नले, टैंक सभी संभाल के रखें, कानों में डालने के लिए रुई का इंतजाम भी करके रखें, क्योंकि तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि गदर 2 आ रही है, शूटिंग शुरू हो गई है, तारा ने सोशल मीडिया पर अनाउंस कर दिया है। जिन्हें गदर 2 का नॉस्टैल्जिया है उनके लिए भी, उसके एक्सट्रीम नेशनलिज्म से एतराज है उनके लिए भी, और जिन्हें सीक्वल के एक्शन का इंतजार है उनके लिए भी। आइए बताते हैं मूवी की वो बातें जो आप जरूर जानना चाहेंगे। तो पहले जानते हैं कि आखिर कौन होगा इस मूवी का हीरो, तारा या फिर जीते? गदर एक प्रेम कथा में क्यूट बच्चे जीते का रोल अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा ने किया था। वे दोबारा सीक्वल में दिखेंगे। अनिल शर्मा कहते हैं कि गदर 2 ऐसी पहली भारतीय मूवी होगी जिसमें एक बच्चा अपना ही टीनेज रोल निभाने पर्दे पर लौटेगा। सीक्वल में जीते बड़ा हो चुका है। ये रोल करने वाले उत्कर्ष ने बतौर हीरो अपना डेब्यू जीनियस से किया था। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर खास नहीं चली थी, ना ही क्रिटिक्स ने उनके काम की तारीफ भी की थी। अब वो सवाल है कि हीरो कौन है, सनी या उत्कर्ष? मूवी के मुहूर्त लॉन्च इवेंट में सबकी नजरें सनी देओल पर थी। हाँ, वो ही हीरो नजर आ रहे थे, उन्हें प्रस्तुत ही वैसे किया गया, और गदर उत्कर्ष शर्मा और जीते मचा ये कल्पना भी करना मुश्किल है। अगर जीते से गदर कराएंगे तो अनिल के बेटे के करियर को फायदा हो सकता है, लेकिन मूवी उतनी नहीं चलेगी। तो अभी सारे तर्क यही कह रहे हैं कि सनी ही हीरो है, या तो वो जीते को रेस्क्यू करेंगे या उसके साथ मिलकर ही कुछ करेंगे। कुल मिलाकर ये मूवी सनी देओल के कंधों पर ही है। चलिए, इस कंफ्यूजन से तो हमने आपको छुटकारा दिला दिया। अब बात आती है अमरीश पुरी की किरदार की, तो वो है कौन निभाएगा इस किरदार को? सनी अमीशा के लीड कैरेक्टर्स के अलावा मूवी का तीसरा प्रमुख किरदार था अशरफ अली का, जिसे दिग्गज अमरीश पुरी ने निभाया था। उनके और सनी के बीच के डायलॉग्स आज भी मूवी की हाईलाइट है, जैसे कि वो सीन जहां सनी हैंडपंप उखाड़ने वाले सीन में अशरफ अली का नाम चीख कर लेते हैं, वो भी एक बार नहीं, तीन तीन बार। गदर 2 के मुहूर्त के साथ ही पूछा जाने लगा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अमरीश पुरी की जगह कौन लेगा? एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि उन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो सीक्वल में विलन के रोल में कास्टिंग का खुलासा अभी नहीं किया गया है। जाहिर है ये गोपनीयता भी काफी जरूरी है। वेल दर्शकों, ये तो कुछ बातें जिससे आप सभी अवेयर नहीं थे। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपनी ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन झट से मिल जाए। थैंक यू।